हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनेक्स एडिटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर के स्केप मोड को डिस्कस किया कि स्केप मोड के द्वारा हम लोग कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, रेडो, कर्जर मूव और डेटा डिलीट कैसे करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कमांड मोड के द्वारा आप किसी भी फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड को कैसे सर्च करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर्च करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को नए वर्ड के साथ में रिप्लेस कैसे करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए दोस्तों, वापस हम लोग अपनी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर चलते हैं, जहां पर हमने लास्ट कमांड जो है वो सर्च करने के लिए यूज की थी। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, सर्च करने के लिए हमने यूज किया था कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश और जिस भी वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं। अब अगर आप यथार्थ नाम के वर्ड को एक नए वर्ड के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप कमांड मोड के अंदर जाएंगे। एक सेकंड, जरा कमांड मोड के अंदर जाइएगा। अगेन परसेंट देन एस फॉरवर्ड स्लैश, जिस भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, यथार्थ वर्ड को रिप्लेस करना है किस नए वर्ड के साथ में। जैसे कि मुझे विशेष के साथ यथार्थ को रिप्लेस करना है स्लैश जी टाइप करके। दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि फाइल के अंदर जहां पर भी आप यथार्थ वर्ड यूज कर रहे थे, यथार्थ को रिप्लेस कर दिया गया है विशेष नए वर्ड के साथ में। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों, अगर आप यहां पर अगेन सर्च करना चाहते हैं कॉलन स्लैश और विशेष टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, जहां पर भी विशेष वर्ड यूज हो रहा है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लाइन से पहले लाइन नंबर भी ऐड करना चाहते हैं, यानी कि लाइन से पहले अगर आपको लाइन नंबर ऐड करना है तो इसके लिए आपको कमांड मोड में जाना होगा और SE स्पेस NU यानी कि सेट नंबर टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो सभी लाइन से पहले उस लाइन का नंबर भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हमने कमांड मोड के द्वारा किसी भी फाइल के अंदर सर्च कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, लाइन नंबर कैसे सेट करते हैं और कर्जर मूव कैसे कराते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं। दोस्तों, कर्जर मूव कराने के लिए आपको क्या करना है, अभी अगर हम लोग सबसे पहले कमांड मोड के अंदर जाएं तो आपको कर्जर किस लाइन में मूव कराना है। जैसे कि मुझे लाइन नंबर 11 में कर्जर मूव कराना है तो कोलन के साथ में लाइन नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिएगा तो कर्जर जो है वो उसी लाइन में मूव कर जाएगा। इसी तरह मुझे थर्ड लाइन में मूव करना है तो कोलन और लाइन नंबर टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर लाइन नंबर 3 में ही हमारा कर्जर मूव कर चुका है। तो इस तरह दोस्तों, हम लोग किसी भी फाइल के अंदर सर्च, रिप्लेस,
लाइन नंबर सेट करना, कर्जर को मूव कराना, ये डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर हम लोग नया डेटा कैसे ऐड करते हैं इंसर्ट मोड के द्वारा। तो दोस्तों, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप यहां पर अपने कीबोर्ड से आई प्रेस कीजिएगा। जैसे हम लोग आई प्रेस करते हैं तो कर्जर जो है, सॉरी, मशीन जो है या फाइल जो है इंसर्ट मोड में पहुंच जाती है। इंसर्ट मोड में जाने के बाद जहां पर भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं, नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, वो आप यहां पर कर्जर लेके आइए और जो भी आप नया डेटा ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जो भी आपको इस तरह नया डेटा ऐड करना है वो ऐड कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आपने यहाँ पर एडिटिंग कर दिया, अब आप इस फाइल के अंदर जो भी एडिटिंग किया है, एडिट किया है या एडिटिंग किया किया है, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं दोस्तों, सेव करने के लिए आपको कमांड मोड में ही जाना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में डायरेक्ट आप नहीं जा सकते हो, उसके लिए आपको एस्केप मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एस्केप की प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और कॉलन यूज कीजिएगा। तो पहुंच गए आप कमांड मोड के अंदर दोस्तों। अब सेव करने के लिए यहां पर हम लोग डब्ल्यू यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप डब्ल्यू यूज करते हैं कमांड मोड के अंदर और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं, तो जो भी आपने इस फाइल के अंदर एडिटिंग किया है वो सेव हो जाएगा, लेकिन आप अपनी फाइल से क्विट नहीं करेंगे। ठीक है, अगेन कमांड मोड में जाते हैं दोस्तों। अगर आप यहां से क्यू प्रेस करते हैं दोस्तों, क्यू प्रेस करते ही आप फाइल से क्विट हो जाएंगे। अगर राइट से पहले, यानी कि डब्ल्यू से पहले आप क्यू प्रेस करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो आप अपनी फाइल से क्विट कर जाएंगे विदाउट एनी सेव। विदाउट सेव आप क्विट कर जाएंगे, यानी कि अगर आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो डेटा सेव हो जाएगा लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे। अगर आप क्यू प्रेस करते हैं तो आप क्विट कर जाएंगे, डेटा सेव नहीं होगा। और अगर आप दोनों चाहते हैं कि डेटा सेव भी हो जाए और आप फाइल से क्विट भी कर जाए, तो आप दोस्तों यहां पर डब्ल्यू क्यू यूज करेंगे। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि आप जो है वो क्विट कर चुके हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि भाई जो आपने एडिटिंग की है, मॉडिफिकेशन किए हैं अपनी फाइल के अंदर, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप कैट कमांड यूज करेंगे। कैट स्पेस फाइल नेम टाइप करके आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि आपने फाइल के अंदर जो भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर यूज करना करते हैं। दोस्तों, वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आगे चल के, या जो भी सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सब कुछ हम लोग एडिटर के द्वारा ही करते हैं। दोस्तों, जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब भी आप कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हो, वो एक विजार्ड के द्वारा ग्राफिकल मोड से आप कंप्लीट करते हो, लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, किसी भी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वीआई और विम टेक्स्ट एडिटर ही यूज करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके सामने
वो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो मेरी नई वीडियोस का।